लगातार धरना जारी है, अभी तक कार्य जारी नहीं हुआ, कल भी धरना जारी रहेगा। आइए देखते हैं क्या कुछ गहमा गहमी रही आज के धरने को लेकर, क्या कुछ रहा लखनऊ। नहीं लिखा है वो पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ अनुमति नहीं है, जहाँ अनुमति है वहाँ जाइए, आइए इनसे बात करा दे। अरे जिससे बात करना है, जिसने बात कराया है, जिसने कहा है, जिसने एफिडेविट दिया है, वो अपनी बात को नहीं मान रहा है। तो यह स्थितियां बहुत खतरनाक है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है कि विक्रम जी रटा रटाया बताते 28,200 कितने हैं, 27,555। तो 27,555 तो रहते, आप लोग यहीं से अब फोन करिए, बाकी कोई काम नहीं, 27,555 यहीं, गैस चूल्हा यहीं, स्टोव यहीं, भोजन यहीं बने। बिल्कुल देखिए बड़ी सीधी सी बात है, हम तो एक चीज जानते हैं, हनुमान जी लंका में अकेले गए, और जब ऐसी परिस्थिति आई कि उनकी पूंछ में कपड़ा लपेट के और तेल पोत के आग लगा दिया गया, तो वहां से आए थोड़ी से रामचंद्र जी से पूछने कि अब मैं क्या करूं, पूछने नहीं ना आए थे, जब लगा दिया आग तो लगाने लगे वो भी आग। तो आपको जो आग लगी है तो जो आपके अंदर आग लगी है उस आग को इन्हें दिखाना होगा, और वो भाग के नहीं होगा, वो तोड़ फोड़ के नहीं होगा, वो उदंडता से नहीं होगा, वो केवल जम जाने से होगा। अपने साथियों को फोन करिए, घर पे भी हम खाना खाते हैं, यहाँ भी हम खाना खाएं, और यही जम जाइए। मेरी तो सोच यही है कि ये सरकार इतने आसानी से मानने वाली नहीं। हम लोगों का संघर्ष चल रहा था, तारकेश्वर साहिब जी, विनय सिंह जी, खूब संघर्ष चला, 18 साल लड़े हम लोग। हाई कोर्ट सिंगल बेंच कहता था कि 2005 के पहले वालों को पुरानी पेंशन दे दो, तो ये डबल बेंच जाते थे, डबल बेंच कहता था तो सुप्रीम कोर्ट जाते थे, सुप्रीम कोर्ट कहता था तो SLP में चले। इतना लड़ाया, और जानते हैं माने कब? माने तब जब 80 में 33 हो गए। बहुत जल्द 10 सीटों का चुनाव है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ बैठिए, धुआंधार बैठिए, लगातार बैठिए। क्षमा प्रार्थी हूँ मित्रों, प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव अलीगढ़ गए हैं, परसों आएंगे, तो हम लोग इंतजार करेंगे, तीन महीने इंतजार करेंगे, किसी मैडम से कोई वार्ता नहीं करेंगे। 11 साल के शोषण का अगर 3 दिन इंतजार है तो कुछ नहीं, बैठे इसी जगह बैठे, तय करें जिंदाबाद। 11 साल के त्याग का परिणाम 3 दिन का इंतजार है तो बैठेंगे, यहीं बैठेंगे, कहीं नहीं जा रहे। ये 3 दिन यहाँ तय करें, 3 दिन के बाद वार्ता करें, और वार्ता में यदि परिणाम न निकले तो आगामी 10 सीटों की चुनाव में एक जो डंडी है, एक उसको हटाने का काम करें, और देखिए क्या होता है। बहुत बढ़िया। पीछे वाला शून्य रहे, आगे वाला एक हटा लीजिए, ठीक उस तरह से जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाता है। ये सरकारें मानने वाली नहीं है साहब, इनका चाल चरित्र चेहरा एक ही है, ये जो भी पद पर आता है। जब ये विपक्ष में होते हैं, अभी इस समय आप किसी भी पार्टी के पास चले जाइए जो विपक्ष में है, आपको कहना नहीं होगा, आपको बताना भी नहीं होगा, उनका पैड निकलेगा, उन्हीं के लोग टाइप, तब उनको सारी भाषा समझ में आती है कि चिट्ठी कैसे लिखना। सही सही, बहुत बढ़िया सर, सही सही।
विपक्ष में रहते हैं तो चिट्ठी लिख के साइन करके पकड़ा देते हैं, और सत्ता पक्ष में रहते हैं तो बड़े मुश्किल से पैड निकालेंगे, कहेंगे जरा आप लिखवा लाइए क्या लिखना है, फिर आप लिखवा के ले आएंगे तो उसमें 13 जगह काटेंगे, ये गलत है ये नहीं होना चाहिए। जी सर, जी सर, इतना तंग कर देंगे कि चिट्ठी नहीं लिखा। तो सत्ता विपक्ष का ये अंतर है और इसको समझना है, और इसको समझना अगर है तो उसके लिए टिकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज ये तय करें जब तक वार्ता नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। अन्य साथियों को धन्यवाद। आदरणीय मनीष मनोज कुमार राय सर, हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि जो भी जिस जनपद से आए हैं अपने जनपद के लोगों को फोन करिए और इसकी कई गुना संख्या को बढ़ाइए यदि कुछ चाहते हो तो, और 12 साल या 11 साल में भी यदि शोषण करवाना चाहते हैं और शाम को बैग उठा के फिर घर जाना चाहते हो तो फिर विक्रम सिंह को पे कोई आरोप न मत लगाइएगा। विक्रम सिंह का तार नहीं है, कोई आरोप मत लगाइएगा आप लोग। आवाज शाही जी को बुलवाइए इसके बाद, और जो लखनऊ के लोकल अनुदेशक हैं वो अपने हेडमास्टर से संपर्क करके गैस चूल्हा भगोना ये सब मांग ले, बर्तन वगैरह खाना पीना यहाँ बनाने की व्यवस्था करें। हम लोग के बीच में आदरणीय, ये जो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बना था, मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए आप हमारे साथी हैं, आप हमारे भाई हैं, हमने उनसे भी समर्थन मांगा था। अभी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप खोल के दिखा दूंगा, और जो 29 तारीख का धरना था मैंने विरोध किया था कि यह धरना स्थगित नहीं होना चाहिए, मैं व्हाट्सएप खोल के आपको दिखा सकता हूं, लेकिन न जाने किन परिस्थितियों में उन धरना को स्थगित किया गया। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय तारकेश्वर साई जी को, आदरणीय मनोज राय जी को, आदरणीय त्रिपुरारी दुबे जी को। आप लोगों ने कहा आप धरना लगाओ, कोई नहीं आएगा तो हम 3 लोग आएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश आएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, धियान गरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बचेगी वही साख जो लचक जाएगी। बहुत वापिस करना चाहेंगे, और हमने उनसे भी कहा था, आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने जिस प्रकार से समर्थन दिया वो पत्र मैंने संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों को भेजा था, और हमने आग्रह किया था कि आप लोग भी ऐसा पत्र जारी करिए और समर्थन दीजिए, लेकिन एक लोगों ने भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये आपको जानना चाहिए क्योंकि आप इस लड़ाई के असली धावक हैं। तो हम आदरणीय तारकेश्वर साई जी को आमंत्रित करेंगे। आदरणीय तारकेश्वर साई जी, आधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, आसमां छूने का लग जाएगा अंदाजा जब पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। सम्मानित साथियों, मैं भी शिक्षक हूँ, आपके साथ ही आपके ही विद्यालय में मैं भी काम करता हूँ, लेकिन ये दोहरा मानदंड कतई ठीक नहीं है। हमारे बराबर आप भी काम करते हैं विद्यालयों में, हम ये चाहते हैं कि समान काम और समान वेतन। बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से इसमें कोई भी अनट्रेंड नहीं है जी, सारे लोग ग्रेजुएट हैं और सबके पास जो शिक्षक की योग्यता है वो सब धारित कर, अनुभव भी आपके पास 11 वर्षों का है जी। नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि ट्रेंड ग्रेजुएट अनुदेशकों को आप नियमित करो, क्या दिक्कत है आपको? बहुत बड़े। मैं प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये दरखास्त करता हूँ, किन अनुदेशकों को बचा लीजिए आप, इनका जीवन संकट में है,
कहीं ऐसा ना हो महाराज जी कि आपके शासन में आपके मुंह पे दाग लग जाए, ये ठीक नहीं है। हमें ताज्जुब होता है कि 9000 रुपए में हमारा ये भाई, हमारी ये बहन अपना परिवार कैसे चलाती है। ताज्जुब और ताज्जुब ये है कि आपका अंतरजनपदीय स्थानांतरण हुआ नहीं, घर कौन है, आप मायके और ससुराल में सामंजस्य कैसे बैठा थे? ये सोच कर ताज्जुब होता है। मान लीजिए 50 किलोमीटर ससुराल आपकी है तो कैसे आप आते जाते हैं, पूरा आपका 9000 उसी में खर्च हो जाएगा। इस बात पे विचार करना होगा इस सरकार को और आपको भी तय करना होगा। अगर आप परियोजना कार्यालय पर आए हैं तो मुट्ठी बांध के रहिए और मुट्ठी बंद करके यहाँ से जाइएगा, कुछ लेके जाइएगा। हम सबका समर्थन आप सबके साथ है निश्चित रूप से। विक्रम भाई जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई को पूरा समर्थन, पूरा सहयोग हम लोग देने का काम करते हैं। और आने वाले समय में अभी 3 दिन की बात हुई ना, परसों आएंगे प्रमुख से, कोई कहीं नहीं गया, मैं बता रहा हूँ आपको। आप फोन मिलाते रहिए, संख्या बढ़ाइए, निश्चित रूप से प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव आप इस दर पे आने का काम करेंगे। इन सब बातों के साथ आपको शुभकामना देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए आप लोग यहाँ आने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय। बहुत बहुत धन्यवाद।